या फिर इन्फ्यूजन सेट, क्या होते हैं इन्फ्यूजन सेट, सामान्य भाषा में हम लोग इसको पानी चढ़ाने वाला पाइप भी समझते हैं, है ना। हम लोग जब प्लास्टिक में से इसको खोल लेंगे तो ये इसकी स्थिति होगी, ठीक है। ये इसका वाटर चैम्बर है, ये इसका क्या है वाटर चैम्बर है, और ये इसका टिप है जो हम लोग बोतल के अंदर पुश करते हैं, डालते हैं, ठीक है। ये जब नया होगा ये इसका वाटर चैम्बर क्या होगा, खाली होगा, है ना। ये आपका ट्रेनिंग वाला है, तो ये आपका इसमें क्या है, पानी है, लिक्विड है इसके अंदर, पानी है। ये पहले हमने इसको खत्म कर दिया, अब ये आप नया समझो इसको, ठीक है। जब आप इसको बैग से निकालेंगे या तो इसका नीडल खुला हुआ होगा या फिर लगा होगा। अगर नीडल खुला हुआ है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नीडल लगा देना है। नीडल इसलिए लगा देना है कि अगर नीडल नहीं लगा रहेगा तो इसका खुला हुआ टिप क्या हो जाएगा, नीचे मिट्टी में या किसी चीज में जाके टकराएगा और वहां का इन्फेक्शन से या इन्फेक्टेड हो जाएगा, है ना। तो हम सबसे पहले इसमें नीडल लगाएंगे, नीडल लगाने का विधि आप जानते हैं, इसमें डाल के हल्का रोटेट कर देंगे। ये हमने हम नीडल लगा दिया, ठीक है। अब नीचे टकराए नहीं, इसके लिए कहीं पर अगर सहारा देना है तो आप दे दो इसको। अब दूसरे हाथ से, अब ये आपका रोलर है, इसको भी पहचान ही जाओ, ये रोलर है। इससे हम पानी बंद या चालू करते हैं, रोकते हैं इसमें से पानी जाना। ये रोलर आप अगर ऊपर की दिशा में है तो चालू, तो ये पाइप चालू है, लेकिन अगर रोलर को आप रोटेट करके घुमा के नीचे की तरफ कर दिए तो ये ट्यूबिंग दब जाती है, ये ट्यूब क्या हो जाता है, दब जाता है और पानी जाना बंद हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब नया नया आया है हमारे हाथ में, जब किसी को बोतल लगाना है तो सबसे पहले हमने क्या किया, निडिल लॉक कर दिया, निडिल लगा दिया इसके अंदर, निडिल लगा दिया इसलिए कि इन्फेक्शन नहीं हो। दूसरी बात, अगर ये इसका रोलर खुला हुआ है तो इस रोलर को क्या करेंगे, इस रोलर को सबसे पहले बंद कर देंगे, है ना। इस रोलर को हमने नीचे घुमा के कर दिया, अब ये बंद हो गया। जब बंद हो गया तो अब हमको किसमें डालना है, बोतल में डालना है, ठीक है। तो बोतल हम देख लेंगे, और बोतल में कुछ एरिया बना हुआ रहता है, ऊपर इसका टिप है, लेकिन इस प्लास्टिक वाले बैग में पहले जब कांच का बोतल आता था उसमें रबर होता था, तो बहुत अच्छे से ये पैक होता था, बहुत अच्छे से उसकी पकड़ होती थी, और उसमें एयर जाने के लिए हम निडिल डाल देते थे या फिर साइड से एक ट्यूब डालते थे। लेकिन जब से प्लास्टिक का बोतल आने लगा है तो इसके बीच में डालते हैं, कई बार बीच में डालने से लीकेज हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक समतल जगह देख लेते हैं, तो साइड में ये चिकना सा जगह है, स्पेस है, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, कैप पहले इसका खोल लेंगे। कैप खोलने के बाद गलती से भी अपनी उंगली को इसके ऊपर, टिप के ऊपर नहीं लगाएंगे, है ना। अगर इसके ऊपर अगर अपनी उंगली लगा दी हमने तो हमारे हाथ की गंदगी इसके अंदर चला जाएगा, इसलिए हम अपनी उंगली को यहीं तक रखेंगे और यहां ले जाकर उसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, थोड़ा दबाएंगे, और रोटेट करते हुए हमने इसमें डाल दिया। अब हम इसके अंदर जब डाल देंगे तो इसको अपने आईवी स्टैंड में ऐसे इसको लटका दिया, हैंग कर दिया, ठीक है। इसको लटकाने के बाद डायरेक्ट हम इसको ऑन नहीं करेंगे, इसलिए डायरेक्ट ऑन करेंगे तो इसमें से जो भी लिक्विड मेडिसिन है वो यहां आएगा और इस ओर से आएगा, तो यहां जो चैम्बर में जो एयर है वो एयर भी आएगा और मेडिसिन भी आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले हल्का सा पुश करेंगे, कैसे पुश करेंगे, जिस प्रकार आपके लंग्स में पुश होने से एयर ऊपर चला जाता है ना, उसी प्रकार हम इसको पुश करेंगे तो एयर निकल के चला गया ना। अब एयर के बदले उसमें क्या आ गया, मेडिसिन आ गया। तो अब जब ऊपर से ड्रॉपिंग जब होगा, मेडिसिन आएगा इसके अंदर, तो यहां पर टिकेगा और बीच में इतना इसका मेडिसिन है और नीचे से दवाई नीचे की ओर आएगी, ठीक है। फिर अगर इसके अंदर थोड़ा एयर वगैरह है तो आप उसको निकाल लीजिए, ठीक है। और आप एयर देने के लिए, चूंकि जब किसी भी चीज में क्रॉस वेंटिलेशन होता है ना, तो अगर इधर से मेडिसिन आ रहा है तो ऊपर से एयर चाहिए ना, तो आप एयर देने के लिए आप या तो साइड से एक निडिल रखिए, है ना, या फिर आप अगर इसको बॉडी में दे रहे हैं या इंट्राकेत है तो यही निडिल काम आ जाएगा। अगर इंट्राकेत में दे रहे हैं तो इंट्राकेत में तो डायरेक्ट ये सेट होगा, तो इसी का निडिल आपको काम आ जाएगा। या फिर अगर डायरेक्ट उसके वेन में दे रहे हैं, ये इसी निडिल को पुश कर रहे हैं, उसके अंदर पिन कर रहे हैं, तो फिर आपको साइड से एक निडिल रखना है, उस निडिल को क्या करना, एयर देने के लिए हमको एक अलग से छेद, ठीक है, या तो छेद कर देंगे या फिर उसमें डाल के छोड़ देंगे, ठीक है। तो ऊपर से एयर मिलेगा, जब दवाई नीचे से आएगी। अब उसको हमने कर दिया, अब ये निडिल लगा हुआ है, या फिर सबसे पहले एयर निकाल लेंगे हम। अब देखो ऊपर से उसको एयर मिल रहा है, ये ड्रॉपिंग हो रही है, ठीक है, दवाई वहां से चलना शुरू हो गया है। ये देखो दवाई आ रही है, ये सारा एयर निकल गया और दवाई इसके अंदर आ गई, ठीक है।
अब आपको जिसको भी आईबी लगाना है, अगर उसके हाथ में इंट्राकेथ लगा हुआ है ना, या कोई भी तरह का डिवाइस लगा हुआ है तो आप उसमें लगा देंगे, और नहीं लगा हुआ है तो फिर हम लोग टूर्निकेट से हाथ बांधते हैं, फिर उसके नस में हम लोग इन्फ्यूजन करते हैं, ठीक है। तो ये बोतल सेट करने के लिए आपने देख लिया, जान लिया। अब ऐसा ही एक और टेक्निकल चीज है, इसमें क्या होता है कि 10 ड्रॉप्स इक्वल टू 1 ml, इसका जो ड्रॉप है ना, इसका जो बूंद बनता है ना, बूंद तो अलग अलग साइज का बन सकता है ना, बड़ा बूंदा हो सकता है, छोटा बूंदा हो सकता है, उससे भी छोटा बूंदा हो सकता है, तो बूंदा तो अलग अलग तरह का हो सकता है। तो इसका जो बूंद है, पानी का जो बूंद है, उसको इस हिसाब से मेजर किया है कंपनी ने, या फिर इंजीनियर्स ने, या फिर डॉक्टर्स ने, इस हिसाब से उसको मेजर किया है कि 10 बूंद आपका 1 ml होगा, 1 ml को 10 में डिवाइड किया है और उसका बूंद का वही साइज है, उसी हिसाब से उसको बनाया गया है। तो ये जो मोटी सी बूंद दिख रही है ना, ये 10 बूंद अगर आप नाप के देखेंगे तो वो 1 ml होगा। बड़े लोगों में, एडल्ट में हम लोग इसको डायरेक्ट रूप से चढ़ाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में दवाई की मात्रा हम लोगों को बहुत कम देनी होती है, इसलिए हम लोग इसके साथ एक अलग से डिवाइस लगाते हैं, उसको पीडियाट्रिक सेट बोलते हैं, जो कि बच्चों के लिए होता है। इसी में से अगर डायरेक्ट लगा देंगे, गलती से किसी कारण से अगर चला जाएगा तो सारा का सारा पानी उसकी बॉडी में चला जाएगा और उसको नुकसान हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग माप माप के देते हैं, क्योंकि जो न्यू बोर्न होते हैं उसमें तो बस 10 ml, 20 ml, 50 ml ही चाहिए होता है। ये आपका पीडियाट्रिक सेट है, पीडिया मतलब बच्चा, पीडिया मतलब बच्चा, ये पीडियाट्रिक सेट है। इसकी बनावट भी बस वैसे ही है, अंतर क्या है, अंतर यह है कि इनका जो टिप है, ठीक है, इस टिप के पास एयर लेने के लिए अलग से छेद बना दिया गया है, अलग से डिवाइस व्यवस्था कर दिया गया है। जब हम लोग इसके अंदर, इस वाटर चैम्बर के अंदर जब ले लेते हैं दवाई, तो फिर इसको वापस रिटर्न नहीं गिरे, इसलिए यहां लॉक करने के लिए एक लॉक लगा दिया गया है, ठीक है। फिर एयर लेने के लिए एक यहां पे ये बनाया हुआ है, अगर किसी तरह की कोई दवाई डालनी है आपको, यहां पे एक रबर लगा दिया गया, उसमें इंजेक्शन आप पुश करके इसमें दवाई डाल दिए। तो हम करते क्या है, इसमें से दवाई इसमें ले लेते हैं, है ना। तो किस प्रकार, आप यहां से आप नीचे देखोगे तो सेम है, इसका वाला यहां से देखोगे तो सेम है, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो कि ये बोतल है, और ऐसा ही यह भी बोतल है, यह भी बोतल है। तो दवाइयां इसमें पैक नहीं आती है, तो हम इसमें दवाइयां लेते हैं, तो जो बोतल में दवाई आती है उसमें से बोतल से दवाई अपने वाले छोटे बोतल में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर यहां से इसकी बनावट सेम है, ऐसे ही रोलर यहां लगा हुआ है, ऑन ऑफ ऐसे ही करते हैं इसको, ठीक है। फिर यहां पे एक जाली नुमा संरचना है ताकि दवाई छन के आती है अच्छे से, और फिर ये पूरा व्यवस्था ऐसे ही है। और इसको भी आप जब खोलते हैं तो इसमें निडिल, इसमें भी निडिल आता है, ठीक है, इस निडिल को हमने इसमें लगा दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग यहां से ये लोग खोल ही लेते हैं, ठीक है, और फिर इसका ये कैप लगा के रखो, जिससे कि ये निडिल खुला रहेगा तो आपको चुभ सकता है, और अगर ये टिप खुला हुआ रहेगा तो इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसे ले लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, बड़ी बोतल से छोटी बोतल में थोड़ा दवाई ले लेते हैं, ठीक है। तो अब तो दवाई अगर बड़ी बोतल से छोटी बोतल में लेंगे तो एक छेद हमने इसमें कर दिया है, तो दवाई गिरेगा, पर कोई बात नहीं, थोड़ा देर गिर जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसको हमने खोल दिया है, जब भी खोलिए, जब बोतल बदलना हो तो इसका कैप आवश्य बंद कर दिया करिए, ठीक है। अब हम इसका टिप खोल रहे हैं और इसमें हमने डाल दिया, अब हमको दवाई लेनी है, ठीक है। अब दवाई लेनी, तो इसको हल्का ऊपर करेंगे ये ऐसे, अब हमने लॉक खोल दिया, अब हमको लेना है इसके अंदर 50 ml, कितना ml लेना है, 50 ml लेना है, तो 50 ml तक जाने दीजिए इसको। ये हल्का सा हमने पुश किया, एयर गया, तो ये वाला जो हमारा फिल्टर है ना, बीच में एक जाली है, ये दिख रहा है ना, ये जाली नुमा संरचना है, ये हमने 50 ml इसमें लेना है, तो ये 50 ml जा रहा है। तो 50 से हम थोड़ा ज्यादा लेंगे 10 ml, इसलिए कि 50 ml दवाई उसके बॉडी में देना है, बच्चे के बॉडी में, लेकिन हमको ट्यूब वगैरह में भी, चैम्बर वगैरह में दवाई लग जाएगा ना। तो हमने 60 ml ले लिया और इसको लॉक कर दिया। अब ये लॉक हो गया तो हम इसको ऐसे लगा दिए, बोतल भी टंगा हुआ है और ये अपना वाला का कनेक्शन, यहां से इसका कनेक्शन बीच से ये लॉक हो गया, हो गया ना। तो हम लोग इसको खोल के बोतल हटा के रख भी सकते हैं, है ना। अगर हटा के रखेंगे तो फिर हम उसको कैप को बंद करके सुरक्षित रखना पड़ेगा, है कि नहीं। कई बार ऐसे होता है कि एक ही दवाई बहुत सारे बच्चों को लग रही है, तो सब में डाला तो फिर बच गया, और अगर उसी बच्चे को वही लगनी है तो उस कंडीशन में हम उसको वही साथ में रखते हैं। अब यहां से इसका कनेक्शन कट गया, अब ये छोटी बोतल तैयार हो गई। अब छोटी बोतल में एयर जाने के लिए जो हम इसमें निडल प्रिक कर रहे थे,
तो यहाँ निडल प्रिक नहीं करना है, यहाँ पे एक डिवाइस बना हुआ है, एक एरिया बना हुआ है, यहाँ से ये ऑटोमेटिकली एयर इनपुट लेगा और फिर वही विधि अपनाएंगे हम, इसको हल्का सा ड्रॉपर को पुश करेंगे, दबाएंगे और फिर वहां से चेंबर में है ना थोड़ा मेडिसिन आ जाएगा तो एयर नहीं बनेगा। अब उसको हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे फिर हम एयर निकालेंगे। जब हम एयर निकाल रहे हैं, जब मेडिसिन नीचे आ रहा है तो आप देख रहे हैं कि एयर यहां से ले रहा है तभी इधर नीचे आ रहा है, ये नहीं होता तो इसमें भी हमको छेद करना पड़ जाता या फिर उसके अंदर भी नीडल डालना पड़ता। ये दवाई आ गई यहां पे, ठीक है। अब हमने इसको लॉक कर दिया, अब ये नीडल लगा दिया, ठीक है। अब नीडल तरके लग के तैयार हो गया। अब इसमें दवाई कितनी बच गई, 50 ml। हमने लिया था कितना, यानी मोटा मोटी 10 ml हमारा इधर उधर करने में वेस्ट गया, ठीक है। तो छोटे बच्चों को जब टेंडी लगाएंगे या तो जो चीज भी लगाएंगे आप, तो ध्यान रखेंगे थोड़ी दवाई आपको अधिक लेनी है, क्योंकि लगभग 10 ml आपके इसमें खर्च हो जा रहा है। तो अगर आप 50 लेंगे उस समय तो फिर डालना पड़ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये तो आपने ले लिया, अब इसकी जो ड्रॉपिंग है उसके ड्रॉपिंग से छोटी है। थोड़ा कैमरा वाला अगर कोई है तो आके थोड़ा नजदीक से दिखा दो, ये देखिए इनकी जो ड्रॉपिंग है ना ये बहुत छोटी है, ऊपर ऊपर ये देखिए आप, यहाँ जो ड्रॉपिंग चल रही है ना यहाँ ड्रॉप, इसके बनिस्पत ये आधा है, जितना बड़ा इसका बूंद था उससे बिल्कुल छोटा बूंद ये है ना। तो इसमें 20 drops इज इक्वल टू 1 ml है ना। थोड़ा पीछे जाए, इसका 10 drop और उसका 20 drop, तो डॉक्टर के हिसाब से जो कैलकुलेशन मिलेगा आपको, एक घंटा में आप इतना ml उसके बॉडी में दीजिए, उसके हिसाब से आपको ये ड्रॉपिंग वगैरह चलानी है। अब नया नया टेक्नोलॉजी आ गया है, सिरिंज आ गया है, उसको सिरिंज पंप बोलते हैं है ना, इन्फ्यूजन पंप बोलते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, 50 ml का सिरिंज में दवाई भर के उसमें सेट कर देते हैं, उसमें बटन से सेट कर देते हैं कि 4 घंटे में इतनी दवाई जानी है, वो चला जाता है। जब मशीन नहीं था तो उसके हिसाब पहले यही सेट करते थे, और जब ये भी व्यवस्था नहीं था तो इसको हम लोग इसको सेट करते थे। जो आपके जैसे बीच के जो परफेक्ट काउंट करने वाले एग्जैक्ट जो अच्छे से सेट कर दोगे, तो जितना देर में इसको खत्म होना है, अगर आपने सेट कर दिया कि 2 घंटे में खत्म होना है तो एग्जैक्ट 2 घंटे में ही खत्म होगा, एक भी बूंद आगे कुछ नहीं है, ये आपके तजुर्बे के ऊपर है। तो आईवी सेट इन्फ्यूजन सेट करने के लिए आपको मैनुअली हमने बता दिया, लेकिन जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे नहीं, ठीक है। आज इतना ही।